से गरम गरम ठीक है सूप राइस की तरफ। ये है वेज फ्राइड राइस चिकन, ये है ड्रैगन चिकन, इसमें थोड़ा चिकन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सलीम खान और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन खुशहाल बहाल गुजर रहा होगा। और आज मैं जाने वाला हूँ देसी चॉप, इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट है और बड़ा बेहतरीन मौसम हुआ हुआ है, आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ता भी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हल्का अबर है, कोई तेज़ धूप नहीं है, टेम्परेचर बड़ा अच्छा है, 25 डिग्री के करीब है। आइए चलते हैं, चल के इंडो चाइनीज खाना ट्राई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये ईस्ट डांडी रोड पे लोकेटेड है, हम खड़े हुए हैं क्राउन्स देसी चौक पे और अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ इनका सीटिंग एरिया और इनका मेन्यू क्या है और चाइनीज़ फूड खाते हैं आज। आइए मेरे साथ, ये इनका एंट्रेंस है। ये इनकी एंट्रेंस हो गई, ये सिटिंग एरिया है और यहाँ बड़े खूबसूरत खाने की फोटोज लगी हुई हैं। ये देसी चॉप है और ये मेन्यू है इनका, चिकन है, वेज है, सी फूड है, सूप है, डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, क्राउन्स फिश एंड चिकन है और इनका सारा मेन्यू लगा हुआ है, ड्रिंक्स हैं। चलिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और इंतज़ार करते हैं, 10 मिनट कह रहे हैं, ज़्यादा लंबा वेट टाइम नहीं है, 10 मिनट में खाना शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ खाना कैसा है। चलिए हमारा खाना आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है हक्का नूडल्स, ये है वेज फ्राइड राइस, यह है ड्रैगन चिकन और उसके साथ में यह है बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस और यह है चिकन मंचाओ सूप और साथ में उन्होंने कुछ वो दिए हैं हमें सॉसेस, चिली सॉस, स्वीट एंड सावर सॉस, सिराचा, केचप। आइए सब ट्राई करते हैं। चलिए पहले सूप ट्राई करते हैं, बड़ा जबरदस्त है, गरम गरम ठीक है सूप, उफ बहुत ज्यादा गरम पी गए हम, बहुत हल्के मतलब मसाले तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत अच्छी नमक मिर्ची उन्होंने इस्तेमाल करी है उसमें, हल्के हल्के पीसेस इसमें। ये देखें आप, नीचे से दिखाता हूँ आपको, ये गार्लिक है साबित, चिकन के बहुत बारीक श्रेडेड पीसेस हैं, सब्जी है और अच्छा है, थोड़ा सोया सॉस ऐड करते हैं इसमें। बहुत सारा गिर गया मुझसे, सोया सॉस एकदम बाहर आ गया और सोया सॉस पहले ऐड करके ट्राई करते हैं फिर उसके बाद इसको। आप देखें कितना ज़बरदस्त गर्म है, बिल्कुल अभी अभी फ्रेश बना हुआ लग रहा है।
सर्दियों में पीने वाली चीज है, और अब इसके साथ हम थोड़ा स्वीट एंड सावर ऐड करेंगे, और अब थोड़ा सा सिराचा, और अब ट्राई करते हैं सूप। वैसे सिर्फ सॉसेस के भी बड़े मज़े का है बगैर सॉसेस के, और अब सॉसेस ऐड करने के बाद आपको तो पता है अपन देसी हैं, जब तक सोया सॉस अगर सूप में ऐड नहीं किया तो सूप का मज़ा नहीं आता। अच्छा है, गरम बहुत है, ज़बरदस्त गरम है। मजा आ गया। इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, बेइंतहा गर्म है, चुरके लग रहे हैं। इसका थोड़ा मज़ा खुलेगा जब ये मीडियम गर्म होगा या हल्का वार्म होगा। अब लेता हूँ मैं पहले हक्का नूडल्स, इसके अंदर इन्होंने दिया है अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियंस हैं, कैबेज है, और नूडल्स हैं, और है बेल पेपर भी है शायद इसमें, बिल्कुल हल्का हल्का सा शायद ऐड हुआ हुआ है। पहले ऐसे ही लेते हैं, बेल पेपर नहीं है, हाँ बेल पेपर है, कैबेज है, और अनियंस है। ये देखें आप, गुड। इसमें थोड़ा स्वीट एंड सावर सॉस ऐड करते हैं। मजे का है, वैसे सॉसेस की जरूरत नहीं है इसमें, वैसे ही अपने आप सब कुछ है। फिर भी अगर आप थोड़ा इसको स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सॉस ऐड कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है चांदनी चौक पे चाउमीन मिलती थी, बिल्कुल वो मजे की चाउमीन है जो आपको बिल्कुल कढ़ाई में वॉक में बनी हुई चाउमीन होती है ना, बिल्कुल वो मजे की है जो ट्रू देसी फ्लेवर्स की। मुझे कहना चाहिए जो अपने पास स्ट्रीट फूड होता है इंडिया पाकिस्तान में, बिल्कुल वो मजा है। नूडल्स से मजे के आप चलते हैं फ्राइड राइस की तरफ। ये है वेज फ्राइड राइस, पहले इसको सिर्फ ऐसे ही चखेंगे हम, उसके बाद थोड़ा इसको ड्रैगन चिकन के साथ टेस्ट करेंगे। ये देखें आप, इसके अंदर भी इन्होंने ग्रीन चिलीज हैं साबित, कुछ मटर है, कुछ कैबेज है, कॉर्न है, इसमें भी कैबेज है, और लेते हैं पहला बाइट, कैरेट भी है हल्का सा।
ये भी, इसमें भी कोई तेज मसाले नहीं है, कोई तेज मिर्ची नहीं है, नमक बड़ा अच्छा है। इसको हम ट्राई करते हैं थोड़ा स्टिराचे के साथ। एक चीज बहुत अच्छी है, नमक मिर्ची नहीं भर दी इसमें, इसको बिल्कुल माइल्ड साइड पे रखा है। कोई भी अभी तक तो दो जो फ्लेवर चेक करे, दोनों बहुत अच्छी तरह प्रोफेशनली बने हुए लग रहे हैं। अभी लेते हैं ड्रैगन चिकन। यह है ड्रैगन चिकन, चंक्स ऑफ चिकन है ये। इसमें शिमला मिर्च का ही है, बेल पेपर्स का ही है, वो है, अनियंस हैं, और थोड़ा हल्का हल्का मसाला है इसमें। आइए लेते हैं ये देखिए अब कौन है, ये रहा ड्रैगन चिकन। हुआ बड़ा चटपटा चिकन है, हल्का सा खट्टा मीठा है, मगर चटपटा वाला है। फ्राइड राइस के साथ बड़े मज़े का लग रहा है। हल्की हल्की मूंगफली भी ऐड करी है उसमें इन्होंने, जो बड़ा क्रिस्पी मज़ा दे रही है। गुड, ये चिकन बड़ा मजे का है। थोड़ा इसका मसाला लेते हैं नीचे से चिकन का। ये देखिए यार, इसका थोड़ा सब्जी, थोड़ा जो अंदर पीनट्स हैं इसमें, ये पीनट्स बड़े मजे के लग रहे हैं। ये देखिए रोस्टेड पीनट्स हैं, बहुत मजे के हैं, फ्राइड राइस के साथ मजे करवा रहे हैं। और चलिए अब लेते हैं बर्न्ट गार्लिक फ्राइड राइस। इसमें थोड़ा चिकन है और वही कॉर्न है, अंडा है, कैरेट है, और है आपका गार्लिक। दिखाता हूँ मैं आपको बर्न्ट गार्लिक, जो इसको शुरू करते हैं। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, गार्लिक की खुशबू आ रही है, बड़ी मज़े की लग रही है। ये आ गया चिकन। यहाँ आ गया चिकन, गार्लिक का बड़ा अच्छा फ्लेवर है। चिकन, अंडा, वेजीज, गुड, बड़ा हेल्थी फूड होता है ये। आपको हर तरह का की गिज़ा पहुंच रही है।
मुझे जातीय तौर पे तो इंडो चाइनीज खाना बड़ा मजे का लगता है और बड़ा हेल्थी होता है। बड़े अच्छे एक्यूरेट फ्लेवर है, कोई इसमें किसी चीज को ओवर पावर नहीं किया, कुछ कम नहीं है नमक और जो लाल मिर्च नहीं है, वरना अक्सर फ्राइड राइस में लोग फ्लेवर के लिए मिर्ची थोड़ी तेज कर देते हैं जो फ्राइड राइस का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देता है। बड़ा मजे का खाना है, बिल्कुल आपको देसी चाइनीज वाला जो एग्जैक्ट फ्लेवर है वो एक और ऑप्शन मिल चुका है, जरूर आइए यहाँ और आके ट्राई करिए। सबसे पहले चिकन पसंद आया मुझे, उसके बाद हक्का नूडल्स, उसके बाद फ्राइड राइस, उसके बाद है ये सूप, और वेज फ्राइड राइस तो बेचारी गरीब शरीफ है, उसके अंदर ज़्यादा चिकन बोटी और अंडा वगैरह नहीं होने की वजह से वो सबसे आखिर में आती है, मगर चिकन लाजवाब। सूप के पास वापस आ गए, उस वक्त तो बड़ा ज़बरदस्त गर्म था, देखते हैं इसका तापमान क्या है। अभी भी गर्म है, काफ़ी गर्म है, चुरके लग रहे। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, ठंडा नहीं होके दे रहा है, मैं समझता हूँ ये इसके अंदर ही उन्होंने कुछ नीचे कोई चूल्हा भी नहीं है इसको गर्म रखने के लिए, अभी तक गर्म है, 15-20 मिनट हो गए सूप ठंडा होके नहीं दे रहे, जब से इंतज़ार में हूँ सूप का तो कम ठंडा होगा तो इसका रिव्यू करूँगा और निकलूँगा। वैसे सूप है बहुत मज़े का, बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, इनका चटपटा फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, अभी तक गर्म है, आधे घंटे बाद भी। बड़े अच्छी क्वालिटी की कप है और बहुत अच्छा गर्म हुआ हुआ सूप है, सर्दियों के लिए ख़ास तौर से ये ठंडा नहीं होगा। गुड, बड़ा मज़े का सूप है। चलिए, खाना हो गया, पेट भर गया, दिल भर गया, तो जगह बेहतरीन है, एक आध महीना पहले शायद खुली है, अभी मेरी नज़र पड़ी 3 हफ्ते या एक हफ्ता एक महीना पहले कुछ खुली है, आप लोग ज़रूर आइए जिसको चाइनीज़ ट्राई करना है, बहुत अच्छा छोटा मोटा सेटअप है, ज़रूर आके नीट क्लीन है ट्राई करिए, और आप लोग मुझे बताइए ट्राई करने के बाद में कि आपको ये कैसा लगा। बड़ा अच्छा खाना था, आप लोग ज़रूर आइए, ज़रूर आके ट्राई करिए, ये ईस्ट डांडी रोड पे लोकेटेड है, इसका नाम है क्राउन्स देसी चौक, या देसी चौप आप सर्च करिए आएगा, अच्छी जगह है, लोग बड़े अच्छे हैं, और आज के लिए इतना ही, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और हिम्मत आएगी कि मुझे लोग देखने वाले हैं, उनको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं और आगे जाके इसको बना सकूंगा, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।